जैसी कोई दूसरी अम्मी नहीं है इस दुनिया में। आप जब शादी करेंगे, आपके बच्चे होंगे और थोड़ी सी अकल आ जाएगी उनकी, 3 साल 5 साल होंगे, चलने वाले होंगे, बोलने वाले होंगे, समझने वाले बनेंगे और आपको देखेंगे तो एज ए रोल मॉडल देखना। ये कोई दवा बन जाए, कोई टॉनिक पी लें आप अच्छी अम्मी बन जाए, या फिर शॉपिंग मॉल में जाए कोई ड्रेस पहन ले आप अच्छी अम्मी हो जाए, ऐसे नहीं हो सकते। हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके बच्चे बेनमाजे निकले। अगर वो माँ बाप को झगड़ते हुए देखे तो हो सकता है कि आपके बच्चे उससे ज्यादा झगड़ने वालों में से उनका नाम होगा। अगर देते हैं एक दूसरे को लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो वो बचपन से ही लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे आपके बच्चे। 3 चुनौतियां दिखाई हैं, एक करियर, दूसरी जिंदगी, तीसरी आखिरत। वालिदैन जब भी तरबियत करते हैं, वो तरबियत कहीं ना कहीं जाकर ये तीनों से टकराती है। ये तीनों के लिए तो वालिदैन रोते हैं, वालिदैन तड़पते हैं कि मेरे बच्चे का करियर, मेरे बच्चे की जिंदगी, मेरे बच्चे की आखिरत। आखिरत को तो लेकर बहुत कम पेरेंट्स कंसर्न है, लेकिन करियर लाइफ को लेकर तो बहुत से पेरेंट्स कंसर्न है। काश पेरेंट्स के सीनों में वो आखिरत को लेकर भी दर्द जागे। जब आखिरत की भी फिक्र होती है तो बच्चों को गुनाह से बचाएंगे, बच्चों को नमाजी बनाएंगे, बच्चों के सामने माँ बाप नमाज पढ़ते हुए दिखेंगे, कुरान की तिलावत करते हुए दिखेंगे। क्योंकि पहला जो स्टेज होता है बच्चे का, वो माँ बाप को देखते हैं, सबसे पहला स्टेज। आप लोग माँ बाप नहीं है, लेकिन 5-10 साल 15 साल में सब माँ बाप बनने वाले हैं। आपको जब बच्चे होंगे तो आपके बच्चे किसको देखेंगे? वो आपको एज ए फादर देखेंगे, आपको एज ए मदर देखेंगे। तो आप अगर नमाजें नहीं पढ़ते हैं तो वो बच्चे हो सकता है कि बेनमाजे निकले। मैं बेनमाजी निकलेंगे करके मैं स्टैंपिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह के हाथ में हर चीज़ है। इसलिए मैं संभल संभल कर बातें रखने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि आपके बच्चे बेनमाजे निकले। अगर वो माँ बाप को झगड़ते हुए देखे तो हो सकता है कि आपके बच्चे उससे ज्यादा झगड़ने वालों में से उनका नाम होगा। अगर आपके माँ बाप गाली देते हैं, एक दूसरे को लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो वो बचपन से ही लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे आपके बच्चे। जो देखते हैं वही करते हैं। तो आपके माँ बाप कैसे हैं, मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप बेहतरीन बाप तो बन सकते हैं, आप बेहतरीन माँ तो बन सकते हैं। जबरदस्त जिंदगी अपने बच्चों को, आने वाले नस्ल को आप दे सकते हो। उसके लिए आप गुनाहों से अब से बचना है, और अब से आपने अपनी तैयारी करना है अपने करियर को, कि आप जब शादी करेंगे, आपके बच्चे होंगे और जरी सी अकल आ जाएगी उनकी, 3 साल 5 साल होंगे, चलने वाले होंगे, बोलने वाले होंगे, समझने वाले बनेंगे और आपको देखेंगे तो एज ए रोल मॉडल देखना कि ये मेरे अब्बा जैसा कोई दूसरा अब्बा नहीं है इस दुनिया में, मेरी अम्मी जैसी कोई दूसरी अम्मी नहीं है इस दुनिया में। ये 4-5 साल से ये रियलाइजेशन आ जाना चाहिए बच्चों में। उसके लिए अब से तैयारी करना है। ओवरनाइट नहीं कर सकते आप। ये कोई दवा नहीं कि आप खा लें और अच्छे अब्बा बन जाएं, कोई टॉनिक पी लें आप अच्छी अम्मी बन जाएं, या फिर शॉपिंग मॉल में जाएं कोई ड्रेस पहन ले आप अच्छी अम्मी हो जाएं, ऐसे नहीं हो सकते। हो सकते हैं ऐसे? उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, कुर्बानियां देनी पड़ती है। आज कोई नौजवान कुर्बानी देने के लिए तैयारी नहीं है, जरा भी तैयार नहीं है कुर्बानी देने के लिए। तो आप लोग अपने जिंदगी को, अपने करियर को संवारें,